अच्छा, तो बहुत सुंदर लग रही है लेकिन वेरी नाइस। तो लग रहा है कि हम लोग कटक के बाली यात्रा में आ चुके हैं। बजरंग बली की पुत्री, ये तो मौत का कुआं है। शुभ्रा का पति वर्कोहोलिक और शुभ्रा अल्कोहोलिक। वरुणी फूल बन गए फूल के चक्कर में। वर्णित ने पहना है ये लेदर होजन। लेदर होजन का मतलब है लेदर के पैंट्स। तो ये बेसिकली एक जर्मन ट्रेडिशनल ड्रेस है जो लड़के पहनते हैं ड्यूरिंग ऑक्टोबर फेस्ट। एंड ये मेडिवल, थोड़ा मेडिवल आउटफिट है, इसको पहनना थोड़ा तामझाम है। और आशिता ने पहना है अगेन ट्रेडिशनल जर्मन ट्रिंडल, जो मैं बाद में खोल कर दिखाऊंगी। बहुत ही सुंदर लग रही है, बहुत ही सुंदर। बहुत ठंड है यहाँ पर एंड मेरे शूज ही मैच हो गए। हाँ। हमारे साथ आज शुभ्रा भी है, गेस्ट अपीयरेंस। शुभ्रा के साथ मस्त अक्टूबर फेस्ट में हम दारू पियेंगे। तो अगर आपको कोई भी टिप्स एंड ट्रिक्स चाहिए अक्टूबर फेस्ट में आने के लिए तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। और अगर आपको हमारे म्यूनिक का ब्लॉग देखना है जहाँ पे हमने म्यूनिक दिखाया एंड म्यूनिक के आसपास की जगहें भी हम दिखाए थे और गए थे तो आप यहाँ लिंक पे देख सकते हैं। लोग ऑलमोस्ट पहुँच गए हैं और एंड हमें लोग ऑलरेडी दिख रहे हैं जो पहने हुए हैं ऐसे ही ट्रिंडल एंड लेदर होजन, एक्सेप्ट फॉर ये लड़की आशिता भाग भाग के आगे जा रही है। आशिता बहुत सुंदर लग रही है लेकिन वेरी नाइस, वेरी ब्यूटीफुल। तो वो फेस्ट में घुसते के साथ हमें घोड़ा गाड़ी दिखी जो अंदर घुस रही है। ओह वाओ, दिस इज नाइस। वो ये बियर लेके जा रहे हैं। ऐसे सारे ढेर सारे बड़े बड़े टेंट लगे रहते हैं जहाँ अंदर बियर मिलते हैं और खाने पीने की चीजें मिलती हैं। और ये बड़े बड़े टेंट हैं, सारे एक एक बियर कंपनी के हैं। फॉर एग्जाम्पल ये पाउलानर का है। सुबह सुबह हम लोग आ गए हैं बियर फेस्ट में, अक्टूबर फेस्ट में, तो इसलिए थोड़ा खाली है जगह, हमें मिल जाएगी बैठने बैठने की। बट वो कचाकच भीड़ एक्सपीरियंस करने के लिए हम सोचेंगे कि फिर से आने का कोशिश करेंगे। और उस दिन मैं पंख मार लेगा। उस दिन तो संडे होगा इसलिए मैं पंख मारेगा। बहुत काम करती है ये। नहीं, उस दिन मैं फेस्ट पंख मारेगा। नहीं नहीं, फेस्ट में तो आना ही है। नो नो, उस दिन मैं फेस्ट पंख मारेगा। ये सारे टेंट, हर बियर कंपनी के टेंट हर साल नए बनाए जाते हैं। इस साल अक्टूबर फेस्ट में 7.2 मिलियन विजिटर्स आए और इन सब मिलियन विजिटर्स ने 6.5 मिलियन लीटर्स ऑफ बियर पिया है और अराउंड 1,15,000 लोगों ने तो बियर मग्स चोरी करने की भी अटेम्प्ट किए है। तो हम क्योंकि मंडे सुबह सवेरे आए तो हमें थोड़ी बहुत यहाँ पे जगह मिल गई बहुत ही आसानी से। अब अगली बार आएंगे तो पता नहीं जगह मिलेगी कि नहीं, बट लेट्स सी। आज थोड़ा रिलैक्सेशन वाला एंजॉय करेंगे एंड जब संडे को आएंगे, जब लाइक वीकेंड्स यूजुअली बहुत भीड़ रहती है उसमें हम लोग बिल्कुल क्रेजी वाला आज बस हम लोगों ने एक्सपीरियंस करने के लिए आए। मंडे ब्लूज की जगह मंडे ह्यूज मना रहे हैं, सुबह सुबह मंडे दारू पीने आ गए। आलू का चोखा, इतना पूरा का दाम 45 यूरो है। ये बियर कम थोड़े, ये तो एक मास 15 यूरो का है। अच्छा आशिता ना कोला स्मगल करके लाई है।
बट खाना टेस्टी है। और मैं बता देता हूँ ये क्या है, ये बेसिकली श्वाइन एक पोक का शोल्डर है विद आलू का चोखा, एंड ये तो मछली है ला सैल्मन विद आलू का चोखा। बस माइक ट्राई कर रही थी, पता नहीं है मेरे को कुछ बोलने को बोल रहा है तो इसलिए मैं अभी माइक तूने उल्टा पकड़ा है ना। ओ ओके, ऐसा क्या ऐसा बोला करो ना, माइक उल्टा पकड़ा है, मैं ब्लॉगर नहीं हूँ। कोई नहीं, चढ़ता है ऐसे ही होती है। मेरा पति मेरे को डिस कर दिया, पति बोला मैं नहीं आएगा, मैं काम करेगा। आई एम लाइक ठीक है यार, तो अपने पति की आधी संपत्ति ले लेना। शुभ्रा का पति वर्कोहोलिक और शुभ्रा एल्कोहोलिक। नो नो, ऐसा मेरा पति का आधी संपत्ति ले लेना। हाँ अच्छा आइडिया है, उसके बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स हैं, मैं वही ले लूंगी। दिनार में मिलेगा, दिनार में मिलेगा, कोई थी दिनार में मिलेगा मेरे को। मैंने तो बैठे बैठे बहुत ही सारी बियर भी ली, तो मुझे अब लग रही है थोड़ी सी टॉयलेट पड़ी है। ड्रिंडल में टॉयलेट, ड्रिंडल नहीं क्या है ये, लेदर होजन, इसमें टॉयलेट जाना बड़ा मुश्किल है, 6-7 बटन खोलने पड़ते हैं उसके बाद जाके एक्सेस मिलता है। आशिता को ढूंढ रहे थे, यहाँ मिल गई हमें वीडियो लेते हुए कुछ कुछ। तो बेसिकली हर एक टेंट एक अलग बियर कंपनी को बिलोंग करती है, एंड आप किसी भी टेंट में जा सकते हो, पर हाँ अगर आपको नॉर्मल बस बियर फेस्ट बियर्स एंजॉय करने हैं और खाना एंजॉय करना है तो ऑफ कोर्स आप वीकडे को आए 3:30 के पहले, क्योंकि उसके बाद सीट्स रिजर्व्ड होती हैं, तो आप आराम से बैठकर कहीं पे भी बिना किसी लोचे के अंदर घुसकर एंजॉय कर सकते हैं। पर हाँ अगर आपको रियल फील चाहिए तो आप वीकडे पर आए, भीड़ में हो सके तो आप सीट रिजर्व कर लें पहले से and then यहाँ पे आए, and that would be an awesome experience. तो ये घोड़े इतने मोटे क्यों हैं? लगता है इन्हीं को वो सुअर खिला दिए होंगे। I mean like not even one, all of them. ऐसा क्या खिलाते हैं? Like उनके पैर देखो। Pillar type है। Yeah. Like मेरे पे एक गिरा तो I would be like gone case. Oh. Okay. आशिता देख रही है कुछ अगर उसको मिल जाए लेने के लिए, पर यहाँ पे चीजें बहुत ही ज्यादा ओवर प्राइस्ड है। 28 यूरोस का है वो, 10 यूरो में मिलता है ये। क्या लिखा है इसमें? How to be a real October Fest boy. How to be a real October Fest boy. तो वरुणी तो फर्जी है बिल्कुल, क्योंकि वरुणी ने हैट नहीं पहना, लेकिन शर्ट पहना है मैंने। प्रेट्सल भी खा लिया है सुबह, खा लिया मैंने सुबह सुबह, वो लेदर होज नहीं पहन लिया, बिग शूज भी नहीं पहना, छोटे ही अक्टूबर फेस्ट हैट बस एक पहन लेते वरुणी, आप एक रियल अक्टूबर फेस्ट बॉय बन जाते। यहाँ टेंट के बाहर भी खाना वगैरह मिलता है, तो आई वुड सजेस्ट कि अंदर का खाना उतना तो टेस्टी नहीं था, बाहर आप खाना ट्राई करें क्योंकि वो ज्यादा टेस्टी होगा, स्मेल तो बहुत अच्छी आ रहा था। और यहाँ आग में पक रहे हैं ये सैल्मन, जो कि बहुत ही ज्यादा अमेजिंग रहते हैं, कभी भी आए तो जरूर से जरूर ट्राई करें। साल पहली बार वाटर फाउंटेन भी इंस्टॉल किया गया था, लोगों ने अराउंड 1 लाख लीटर ऑफ वाटर पिया, विच इज़ वे 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 लेस देन 6.5 मिलियन लीटर्स ऑफ बियर। नाउ यू नो क्या इम्पोर्टेंट है। एंड वी आल्सो स्पॉटेड सम पुलिस वाला डूइंग एपिक शिट, इट वाज हिलेरियस। बजरंगबली की ओह,
सिक्योरिटी। शुभ्रा का भताड़ तो आया नहीं है, वहां पे पासपोर्ट साइज फोटो लगाना पड़ेगा। वैसे ही उंगली करता है। उत्तरी, ये तो मौत का कुआं है। ये मौत का कुआं तो यहाँ दिख ही गया, साथ में हमें पता चला कि जो चलाने वाला है गाड़ी वो भी देसी है। ये कटक के बाली यात्रा से उठा के लेके आए होंगे इसको। I mean, I would be very proud of that, अगर वो बॉर्डर नाड़ों के आसपास का निकला तो। इस बार हमारे साथ दिनेश भी है जो हमेशा रहेगा, अगली बार भी रहेगा। तो जो दिनेश है वो अक्टूबर फेस्ट का रेगुलर कस्टमर है। रेगुलर फेस्ट के फर्स्ट डे से एंड डे वो अक्टूबर फेस्ट में ही रहता है। बियर नहीं पिया हूँ मैं। बियर पीने से मतलब नहीं है, अक्टूबर फेस्ट पे थोड़ा ना आना है तो खाली बियर ही पीना है। घूमता है फिरता है, मस्त लोगों को घुमाता है, और क्या चाहिए। इसलिए आज लेट आया हूं। कोई ना, कभी कभी होता है, देसी है अपन। रीजन में एक बहुत अच्छा स्टोरी है इसका, लाइक इफ यू लाइक समवन दे शो दैट लव एंड अफेक्शन बाय गिविंग देयर देयर दिस थिंग टू यू एंड दे शो दिस लव टुवर्ड्स यू बाय गिविंग दिस टू यू। क्या हो गया? मेरा फूल कहीं गायब हो गया। वरुणी फूल बन गए फूल के चक्कर में। 3 यूरो दिए थे मैंने। खाया पिया कुछ नहीं, ग्लास थोड़ा बारा आने। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, चलो चलो। जब हम अंदर घुसे थे आई थिंक 10-11 बजे सुबह, तो उतनी भीड़ नहीं थी, बट आप देख सकते हैं अभी कितनी लंबी लाइन बन चुकी है। लोग यहाँ से आ रहे हैं, उधर कहीं पीछे से दे आर गोइंग देयर एंड देयर से घूम के दे आर कमिंग बैक हियर टू द एंट्रेंस। तो अगर आप साथ में कोई बैग्स रक्सैक वगैरह लेके आते हैं, अपार्ट फ्रॉम लेडीज़ का हैंड पर्सन ऑल, छोटे मोटे बैग्स चलते हैं, बट इस तरह के अगर आप कुछ बैग्स लेके आते हैं तो मेक श्योर कि आप ना लेके आएं, क्योंकि बैग रखने का ये लोग सिर्फ 7 या 8 यूरो ले लेंगे जो आपको वापस नहीं मिलेंगे। ऐसे भी बियर के दाम अंदर 15 यूरो है, विच इज़ वे मोर देन व्हाट यू गेट इन द मार्केट। से पहले कि मेरी एक्सीडेंट हो जाए। हाँ, अब ठीक है। तो हाँ, तो ये था बेसिकली हमारा बियर फेस्ट का पूरा ट्रिप। हम फिर से आएंगे बियर फेस्ट में संडे को, बट फिलहाल हमने कहा कि थोड़ा खाली खाली में भी एंजॉय करते हैं, क्योंकि भीड़ में एक अलग ही एंजॉयमेंट है, और ऐसे आना और माहौल देखना और क्या क्या चीज़ें हैं यहाँ पे, क्या क्या कर सकते हैं, झूले झूल सकते हैं, वो सब देखना एक अलग होता है। हेलो, दिस इज डे 2 और हम वापस आ गए हैं ऑक्टोबर फेस्ट। आज आपको दिखाते हैं एक डिफरेंस बिटवीन अ वीकडे एंड अ वीकेंड। तो पहुंच चुके हैं हम अंदर, और आज तो 3 या 4 गुना ज्यादा भीड़ है, या शायद उससे भी ज्यादा, पता नहीं हमें कोई भी टेंट में सीट मिलेगी कि नहीं। तो लग रहा है कि हम लोग कटक के बाली यात्रा में आ चुके हैं। कटक की एक लड़की को भी लेके आए हैं साथ में। चलो बाली यात्रा चलते हैं। और अभी यहाँ पे पता नहीं क्यों, बट सबको नान और तंदूरी की चिकन की खुशबू आ रही थी, पर यहाँ बन तो नहीं रहा है कहीं पर, शायद बनता तो मजा आ जाता। निकल चुके हैं हम बियर शेयर पी के जो भी करके अक्टूबर फेस्ट से, सब थोड़े 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 पर अब ऑब्वियसली हमें भूख लगी है, पीने के बाद भूख तो लगती है, तो हमने सोचा आज कोई स्पेशल जगह जाते हैं खाने के लिए, बट हम आपको आज नहीं दिखाएंगे, ये तो ब्लॉग बहुत लंबा हो जाएगा। तो तब तक के लिए अभी हम टल लिए हैं, प्लीज बंद करो वरुण भाई, क्या कर रहे हो यार। तब तक के लिए आप लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। करोगे तो ज्यादा मिलेगा बोल रहा हूँ। चलिए हम मिलते हैं आपसे बाद में, बाय बाय।